नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं तो उसको जनता समझती है। और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। सर, जिस हिसाब से मुस्लिम से दूर हुई और अचानक अचानक अपने प्यार से कर रहे बीजेपी, जिस हिसाब से डिसाइड किया, शहरवाज को हटाया, नकवी को हटाया और एक बार हटाया, वैसे ही अब देखा जा रहा है धीमे धीमे उसके करीब आ रही है। हमारे जिले के मंत्री को बनाया और जो देखा जा रहा है लगातार जो करीबियाँ आ रही है बीजेपी, इसका क्या कारण मानते हैं? इसके करीब आ रहे हैं बीजेपी के करीब मुस्लिम, अच्छी बात है। मुस्लिम अगर बीजेपी के नज़दीक आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर, मेरा सवाल लेकिन बीजेपी मुस्लिम के करीब आ रही है, पहले निकाला आपने, एक एक करके साइड किया और धीमे धीमे? नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी ने किसी को नहीं निकाला है। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने भी पार्टी छोड़ी होगी, पार्टी से गए होंगे, लेकिन किसी को भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर नहीं है आपका? केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर नहीं है? नहीं, ये वो अलग चीज़ है। ऐसे तो अलग, अगर हम समाज को टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ हो सकती है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, हम टुकड़ों में विचार नहीं करते, हम संपूर्णता में विचार करते हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज तो हर जिले में खोलने की योजना चल रही है, खुल भी रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलों की दशा है, जो स्टाफ की कमी है, चाहे डॉक्टर हो। देखिए, और देखिए, स्टाफ की कमी, डॉक्टर तैयार करने होंगे तभी स्टाफ की कमी दूर हो सकती है। पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी है, जो कि इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, इसीलिए उसको बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो एक कमी है हमारे पास पैरामेडिकल हो चाहे मेडिकल स्टाफ हो, उसकी कमी को दूर किया जा सके। गुजरात मॉडल को पूरे देश में एक बार सराहा।